सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी तीसरे दिन के खेल में भारतीय टीम के प्रदर्शन से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चल रहे चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में भारत की बल्लेबाजी को देखकर लगता है कि ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज इस कदर डर गए हैं कि मैदान में वह अब काले जादू तक का सहारा लेने लगे हैं। जरा रुकिए, ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ऐसा तो खुद सोशल मीडिया पर फैंस का जवाब है। दरअसल दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज नेथन लियोन ने एक ऐसी हरकत कर डाली है जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर उनकी खूब धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां तक कि उनका मजाक भी बन रहा है और कई तो चाह रहे हैं कि उन्हें बैन तक किया जाए। दोस्तों, हमने तीसरे टेस्ट मैच में देखा था कि किस तरीके से स्टीव स्मिथ ने आकर ऋषभ पंत के गार्ड मिटा दिए थे। अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही वाक्य हुआ है भारतीय टीम के एक और बल्लेबाज के साथ। जी हम बात कर रहे हैं शार्दुल ठाकुर की। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो पूरा वाक्य है वो तब का है जब भारतीय टीम 219 पर थी और उसके 6 विकेट गिर गए थे। लेकिन अब मैदान पर बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर की जोड़ी सेट हो चुकी थी। इस दौरान शार्दुल ठाकुर लगभग 14 रन के आसपास थे कि दोस्तों तभी मैदान में गेंदबाजी कराने आए नेथन लियोन और उन्होंने मैदान में कुछ ऐसा भी कर दिया था कि उनकी सोशल मीडिया पर अब तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दरअसल दोस्तों, तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि नेथन लियोन ने एक बेल को उठाया और दूसरी बेल की जगह रख दिया और दूसरी को उठाकर पहली की जगह। खुद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस अजीबोगरीब वाक्य को पोस्ट किया और कहा कि सुपरस्टिशियस नेथन लियोन। दोस्तों, सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वासी या फिर ऐसा कोई काम करना जिसे करने के बाद आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाए। फिलहाल दोस्तों, नेथन लियोन का यह मजाक बनाया जा रहा है कि उनकी इच्छा रही होगी कि वह शार्दुल ठाकुर का विकेट किसी भी तरीके से ले लें और यही सब करने के लिए उन्होंने यह तुच्छ हरकत करी। यार दोस्तों, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर फैंस को यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया के कई यूजर्स तो नेथन लियोन को इस हरकत के लिए बैन तक करने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या नेथन लियोन सच में चीटिंग की गई है या नहीं, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। क्योंकि बेल्स हो या विकेट, गेंद हो या फिर बल्ला, आप किसी से भी छेड़खानी नहीं कर सकते। साथ ही दोस्तों, ऐसी सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।